कि संविधान को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में सरकार बनने से रोकना होगा, तभी तुम्हारा संविधान बनेगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज फरीदाबाद और पलवल जिले के दोनों पदाधिकारियों के बीच में उपस्थित सम्मानित साथियों, पहली बार आपके बीच में आने का मौका मिला। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर मैं काफी समय से साउथ का प्रभारी हूं, साउथ का सभी प्रदेशों में मैं काम कर चुका हूं और देश के लगभग 2-4 प्रदेश बचे होंगे, 30-32 साल से सभी प्रदेशों में काम करने का काम किया है। अभी बहन जी का आदेश हुआ कि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है, एक लोकसभा आपको देखनी है, तो आपकी लोकसभा में जो 9 सीटें हैं विधानसभा की, इस पर आप लोगों के साथ मिलकर चुनाव में काम करने का काम करेंगे हम, क्योंकि काम तो आपको ही करना है, हमारा तो सुपरविजन रहेगा। जिस प्रकार से आपने यहां पर जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, पोलिंग बूथ कमेटी, बीबीएफ, बाम सेफ बना रखा है, उन्हीं के माध्यम से यह चुनाव लड़ा जाएगा। सम्मानित साथियों, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूं और जब से पार्टी का गठन हुआ है तब से माननीय कांशीराम साहब के साथ और बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर पार्टी का काम कर रहा हूं। लगा करके सेक्टर अध्यक्ष से विधानसभा अध्यक्ष तक और प्रदेश के तमाम पदों में और 14-15 साल से लगातार मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं, कुछ दिनों के लिए राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना, अब फिर मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं और कई कई प्रदेशों का प्रभारी हूं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती के आशीर्वाद से मैं तीसरी बार राज्यसभा में सांसद हूं, 17 साल मेरे को लगातार हो गए, 17 साल से मैं लगातार राज्यसभा में सांसद हूं और अभी भी वर्तमान में मैं सांसद हूं, ये बहन जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। और मैं बताना चाह रहा हूं कि शेड्यूल कास्ट में पूरे देश में लगातार तीसरी बार यदि राज्यसभा में कोई रहा है तो मैं पहला व्यक्ति हूं, बहन जी के आशीर्वाद। सम्मानित साथियों, चुनाव में अब समय नहीं बचा है, नामांकन शुरू हो गए, आज से नामांकन शुरू हो गए हैं, हमें नामांकन की तैयारी करनी है। जिन प्रत्याशियों को, जिन साथियों को बहन जी का आशीर्वाद मिल गया है वो तो अपनी तैयारी में लग गए हैं। अभी जो सीटें, अभी जिन सीटों पर अभी हमारे प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं, बहन जी का आशीर्वाद नहीं मिला है, उनको भी हमें बहुत जल्द 1-2 दिन में ही देखना होगा। सम्मानित साथियों, चुनाव हमारे लिए बहुत अहम चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव में हमें करो या मरो की स्थिति पैदा करनी है, यह हमारे लिए चुनाव प्रतिष्ठा का विषय है, इसलिए हमें अपना सब कुछ दांव पर लगाकर 20 दिन, मुश्किल से 15 दिन देने हैं, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ने समय नहीं दिया। 22 तारीख को डिक्लेयर हुआ, अधिसूचना जारी हुई और 21 को वोटिंग है, मतलब 29 दिन में सारे काम हो रहे हैं, 29 दिन में नामांकन भी है और पेपर प्रक्रिया है सारी और वोटिंग भी है, काउंटिंग भी है, बहुत कम समय है, हमें कम समय में ज्यादा काम करना होगा। तो मेरा निवेदन है सम्मानित साथियों, हम अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने कारोबार के लिए 12 महीना लगा रहते हैं, ये लड़ाई हमारी मान सम्मान स्वाभिमान की है, सामाजिक परिवर्तन की है, इसलिए हम सब समाज के लोग जो भाईचारे के आधार पर बहुजन समाज पार्टी में विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं, सबका नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग मिलकर इस चुनाव को आपस में मिलकर लड़ें और अपना पूरा समय 15-20 दिन पार्टी को दें, 10-15-20 दिन के लिए अपना कारोबार रोक दें, किसी दूसरे को सौंप दें,
सुबह शाम देख लें, किंतु सबसे ज्यादा समय हमें पार्टी को देना चाहिए। सम्मानित साथियों, आज प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। आप देख रहे हैं बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं और काम धरातल पर कुछ नहीं है। जनता का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कभी पुलवामा कांड, कभी धारा 370, कभी राम मंदिर, पूरी सरकार, दोनों सरकारें इसी पर लगी हुई हैं। धरातल पर कुछ काम नहीं हो रहा। 5 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो माननीय मोदी जी ने तमाम वायदे किए थे, 4 बड़े बड़े वायदे किए थे मोदी जी ने पिछले 5 साल पहले। 4 कौन से वायदे? सबसे बड़ा किया था बेरोजगारी के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए। मोदी जी ने कहा था कि हम 1 साल में 2 करोड़ नौकरी लगवाएंगे, 5 साल में 10 करोड़ लग जाएंगे। तो जितना भी युवा था वो मोदी मोदी कर रहा था, अपने घर वालों को भी नहीं मानना था कि हमारी सरकारी नौकरी लग रही है। उस युवा ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 साल बीत गए पिछले, 10 करोड़ तो छोड़ो, 2 करोड़ नौकरी भी नहीं लगी, वो वायदा पूरा नहीं हुआ। पूरे देश का जो नौजवान है, शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, वो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। दूसरा वायदा किया था किसानों के लिए कि किसानों की आमदनी हम दुगनी करेंगे। दुगनी तो छोड़ो, जो किसानों की उत्पादन लागत आ रही है वो भी नहीं मिल रही ना। पूरे देश का सबसे ज्यादा दुखी परेशान है तो आज किसान है। तमाम वायदे किए, वायदा कोई पूरा नहीं हुआ है। 15-15 लाख का वायदा कर दिया कि सरकार बनेगी तो हम सबको, गरीबों को 15-15 लाख रुपए देंगे। 8 बीज के खाते खुलवा दिए सबने, 5 साल निकल गए, फिर दूसरी सरकार आ गई, फूटी कोड़ी भी नहीं दी। और जो बैंकों में था पैसा वो भी इस देश के उद्योगपति, इनकी सेपा ही विदेशों को लेकर भाग गए सब, बैंक खाली कर दिए। ये वायदा भी पूरा नहीं है, कोई सा वायदा पूरा नहीं हुआ। आज देश संकट में है, 70 साल में देश को आजादी में 70-72 साल। आज सबसे ज्यादा मंदी है, आज बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े कारोबार बंद हो रहे हैं। इधर नहीं देखा जा रहा, भाई भाई लूटी जा रही है विदेशों में जाकर। कम से कम अपने देश को तो देखना चाहिए। आज रोजगार बिल्कुल खत्म, आज रोजगार खत्म और सब समाज के साथ साथ आज परेशान तो सब है। देश के मात्र 8-10 व्यापारियों को छोड़कर, बड़े उद्योगपतियों को छोड़कर, सारा कुछ जो देश के 8-10 उद्योगपति बड़े बड़े उनको सौंपा जा रहा है सारा कारोबार। बाकी पूरा देश का पूरा उद्योगपति, छोटा मोटा दुकानदार सभी परेशान है। हमें लोगों को बीच में बताना जाकर कि आज रोजगार खत्म हो रहे हैं और सर्व समाज के साथ साथ SC ST OBC माइनॉरिटी, इसके सामने तो बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान में जो हमको आरक्षण की व्यवस्था की थी, आज धीरे धीरे करके हमारा आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक के लोग जो आरक्षण पाते हैं उनके सामने उनके बच्चों के भविष्य का में बहुत ही खतरा हो गया, भविष्य अंधकार में हो गया। क्योंकि सभी सरकारी विभागों को, या केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार मिलकर सब प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। जब सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा तो फिर नौकरियां कहां से लगेंगी? आज अधिकतर विभागों में आउटसोर्सिंग पर रखा जा रहा है, पढ़े लिखे घूम रहे बेरोजगार,
यदि आप लोग इस चुनाव में नहीं जाते, आपने बीजेपी को सत्ता में आने से नहीं रोका, तो मैं दावे से कह रहा हूं फिर हमारा आरक्षण बिल्कुल नहीं बचेगा। यदि आपको आरक्षण बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र से तो आ गई इस प्रदेश से पहले रोकना होगा, तभी हमारा आरक्षण बचेगा। दूसरा, संविधान, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों मिलकर संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, दोनों मिलकर संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। पिछले दिनों कई वर्ष पहले से जब से बीजेपी की केंद्र में सरकार आई है, जो आरएसएस के प्रमुख है माननीय भागवत जी, उनका कई बार स्टेटमेंट आ चुका कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा की आड़ में ये संविधान को समाप्त करके मनुवादी संविधान लागू करना चाहते हैं। बहरहाल एससी एसटी ओबीसी को जो 100 साल पीछे पहुंचाना चाहते हैं। अभी आरक्षण पूरा नहीं हुआ, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो इस चुनाव में आप कह दो लोगों से, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों से, सर्व समाज के लोगों से कि संविधान को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में सरकार बनने से रोकना होगा, तभी तुम्हारा संविधान बचेगा।